हमने बोला ना अभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है कौन करता है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट लीव्स करती हैं क्योंकि लीव्स के अंदर सारे पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल है जो उसको सनलाइट को लेकर ग्रैप करके सिंथेसाइज करेगी किसको खाने को ओके एंड इट्स प्ले द की रोल इन कैप्चरिंग द सनलाइट एंड प्रोड्यूसिंग द फूड ये मेन इंपॉर्टेंट रोल है लीव्स का सनलाइट को कैप्चर करना और फूड की प्रोडक्शन चालू करना ठीक है अब हम हाँ पढ़ेंगे लीव्स के क्या क्या पार्ट होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज योर लीव आप देख सकते हो ये तो नोड हो गई ओके ये हो गई स्टेम जो स्टेम है उसी से कनेक्टेड है आपकी नोड अभी हमने पढ़ा था पिछली बार उसमें ठीक है और आपके दो हैं स्टेप्यूल्स क्या है ये स्टेप्यूल्स ओके ये जनरली ग्रीन इन कलर के होते हैं ओके बच्चों छोटे आप मान सकते हो स्मॉल स्मॉल लीव्स ओके अंडर डेवलप्ड small small leaves okay these are stipules then this is your this one this ne mein beach may say hai. this one is midrib okay midrib okay that's obviously we also have the ribs rib cage no likewise leaves also have the uh, one major uh, midrib okay then this uh, these patterns you can see these lines these are veins okay we also have veins in the skin going from uh, body organ to organ likewise leaves also have this lines pattern is vein and this is blade okay the corner side one is blade and this whole structure the leaf part the this front leaf part is called students lamina leaf lamina okay and this thing is petiole this uh, the uh, the leaf which is connecting to the stem with the small part is known as petiole. Okay, this petiole. Okay, what else? These are, this is the tip. Okay. So, uh, one, two, three, four, five parts are there. Stems also have five parts, node, internodes, axillary bud, terminal bird. Likewise, here also, leaves also have five parts petiole, midrib, lamina, stipules, veins. Okay, we are going to see one by one. ओके सो पिटियोल फर्स्ट वन इज पिटियोल इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है द स्टॉक दैट कनेक्ट द लीफ ब्लेड टू द स्टेम इज नोन एज पिटियोल अभी हमने पढ़ा यहाँ पे हमने लीफ के स्ट्रक्चर में देखा जो लीफ है वो स्टेम से ये लीफ स्टेम से कनेक्टेड है वाया पिटियोल दिस कनेक्शन दिस कनेक्शन इज पिटियोल ओके इसका फंक्शन क्या होता है इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प द फॉर सनलाइट एक्सपोजर जितना लंबा ये पिटी होगा लीफ जो होगी वो आगे आगे जाएगी सनलाइट के एक्सपोजर को लेगी अपने ऊपर क्योंकि लीव का काम ही यही है कि वो सनलाइट को कैप्चर करें ठीक है तो उसमें ये पिटीओल हेल्प करता है नेक्स्ट है मिड रिप

प्राइमरी साइट है सबसे पहली साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा वेर सनलाइट इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ओके स्टिप्यूल्स हमने अभी दो पढ़े थे अभी मैंने बताया अंडर डेवलप स्मॉल स्मॉल फ्रेश लीव्स आर दी स्टेप्यूल्स ओके ये क्या करते हैं बच्चों स्टेप्यूल्स हेल्प इन द रेगुलेटिंग ऑफ वॉटर लॉस ओके बर्ड को वहां प्ले द रोल इन प्रोटेक्टिंग द बर्ड प्रोटेक्टिंग द बर्ड और रेगुलेटिंग द वॉटर लॉस जितना भी वॉटर लॉस हुआ है ओके ये, okay? uh, okay. ये आपको मैंने बताया था डिफरेंट पैटर्न जो लाइन्स के होते हैं लीवस पर उसे हम वेन्स कहते हैं बच्चों ये वेन्स दो तरह की होती है प्लांट्स में एक होती है रेटिकुलेट uh, uh, और पैरल वेनेशन में वो अभी हम पढ़ेंगे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं

Uh, में दो तरह की वेनेशन होती है कॉमनली रेटिकुलेट वेनेशन एंड द पैरल वेनेशन जनरली आपने देखा होगा uh, कुछ कुछ प्लांट्स में ऐसी रेटिकुलेट वेनेशन आप देखिए वेन्स को और डिवाइड हो जाती है वो दे गेट सब डिवाइडेड इन टू नेक्स्ट लेवल वेन्स एंड फॉर्म द नेट लाइक स्ट्रक्चर एक वेब की तरह स्ट्रक्चर बना लेती है उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेन्स जनरली आपको ये रोज या तुलसी जैसे प्लांट्स में उनके पत्तों को आप देखेंगे जब तो वो मिड रिप से जो वेन्स जा रही है वो और बार 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 सब डिवाइड होती रहती है अलग अलग वेन्स में फॉर्म द नेट लाइक स्ट्रक्चर उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेन्स ओके बच्चों नेक्स्ट है पैरल वेन्स पैरल वेनेशन आपने बनाना का पत्ता देखा होगा बहुत बड़ा होता है और सिंगल सिंगल पैटर्न उसकी लाइन्स जा रही होती है दैट इज पैरल वेनेशन बनाना एंड नेके And this is about the venetian part all right we are going to proceed with the next part which is students uh, now what we have completed with the stem the flower and now we are coming to the root no we have uh, we have completed sorry we have completed the stem and the leaves now we are going to come with the flower we are going to proceed now with the flower part okay so we all have seen this flower have you seen this flower hibiscus yeah right this is this flower is hibiscus flower and this structure students this is a hibiscus structure in detail okay so this is the flower dear students when you open this when you just remove these these are the petals my dear students these are the petals you can see see this one petals okay this this structure is sepals see sepals okay and one way from where you hold that flower is pedicel okay pedicel जहां से आपने फ्लावर को पकड़ा है वो पेटिसल हो गया उसके साइड में जो दो लीव्स जा रही हैं, उसे हम बोलेंगे सेपल्स और जो उससे भी ऊपर फ्लावर की दो कलर्ड फ्लावर की लीव्स हैं, उसको हम पेटल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स ओके और इसके अंदर ये जो चीज आप देख रहे हो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंथर एंड फिलामेंट। दिस पार्ट इज फिलामेंट एंड दिस पार्ट इज एंथर ओके अब जब आप इस फ्लावर को खोलेंगे इसके पैटर्न निकालेंगे इस एंथर फिलामेंट के नीचे इसके अंदर आपको क्या मिलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिस वन ओके द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ओके ओके दिस वन स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी

Well, all right. Now we study, we will going to we are going to study one by one the whole structure of the flower. Okay. Now see petals, I told you what are the petals? The, we are going to study about these petals, these these colored leaves, okay. सो so, पेटल्स का स्ट्रक्चर क्या है पेटल्स आर ओफन ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड टू अट्रैक्ट द पॉलीनेटर्स इसके अंदर खुशबू होती है इन पेटल्स के अंदर खुशबू होती है जो पॉलीनेटर्स को अट्रैक्ट करती है पॉलिनेटर्स कौन जैसे मधुमक्खी बीस इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो इस पे आके बैठ जाते हैं फीड करते हैं फ्लावर पे आके बिकॉज इट लुक्स अट्रैक्टेड और, और खुशबू भी बहुत अच्छी देता है ये ठीक है द पेटल्स फंक्शन क्या है दे प्ले अ क्रूशल रोल इन एडवर्टाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ द फ्लावर एंड इट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स उसको मतलब अट्रैक्शन के लिए पेटल्स की जरूरत होती है ओके जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगी और वो वहां पर आ जाएंगे होता क्या है बच्चों कि जितने भी इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं, वो एक्चुअली में पोलन्स लेकर आते हैं ओके पोल्स मान लो सीड्स लेकर आते हैं ठीक है वो आ, वो लेकर आते हैं कहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वो अभी हम देखेंगे जब इस पे बैठते हैं पेटल्स पे बैठते हैं उसके वो देखते हैं कि कौन सा पैटल सुंदर है ठीक है और सेंटेड है वहां पे आ जाते हैं पॉलिनेटर्स पॉलिनेटर्स कौन इंसेक्ट्स और बर्ड्स नेक्स्ट है सेप्पल्स सेपल्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेपल स्टूडेंट सेपल्स कहा है हमने अभी देखा था दिस वन Beneath the petals, there is sepal, green colored one. Okay. Which is connected to this pedicel is sepal. What is its function and structure? Sepal is the outermost part of the flower, usually green and leaf-like. They protect the developing flower bud and provide support to the petals. Which it helps in the flowering bud ko provide support. Karne ke liye. Kaun help hai sepal, Okay. Now the stamen, the male reproductive part part anther plus filament so located at the top of the stamen the anther uh, produces the pollen grains this is the stalk that supports the anther okay this one you can see this one these are the anthers these and one this stalk which is supporting the anther is filament okay this anther have the pollen grains okay ये पोलन ग्रेन्स जो छिड़क छिड़केंगे कहां पे स्टिग्मा पर और ये पोलन इसके अंदर होती है पोलन ट्यूब बच्चों ये अंदर जाती है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है उन पोलन ग्रेन का ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका ऊपर के पार्ट को हम दिस पार्ट इज दिस दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर बन रहा है यहां पे इसका अपर मोट पार्ट होता है स्टिग्मा स्टूडेंट्स इसका नीचे वाला पार्ट होता है स्टाइल एंड ओवरी ये बेसिकली ऐसा क्यों बना है बच्चों जो यहाँ पे एंथर ये आपका एंथर है इसके अंदर से बच्चों आप कभी इस फ्लावर को आप घर लेकर आएंगे तो अगर आप इसके एंथर को तोड़ के देखेंगे तो आप झाड़ेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स निकलेंगे येलो येलो कलर के ये पोलन ग्रेन्स जब इस पर बैठ जाते हैं देन इट दे विल ट्रांसफॉर्म डाउन विद द पोलन ट्यूब ओके इसके बीच में एक पोलन ट्यूब होती है जो इन्हें नीचे लेके जाती है यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है ओव्यूल्स कुछ नहीं होता बच्चों ओव्यूल्स एग्स होते हैं एग्स फीमेल एग्स ओके एंड दिस इज अ पोलन ग्रेन ये दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं ओके फ्यूज हो जाते हैं एंड दे फॉर्म व्हाट दे गोइंग टू फॉर्म द सीड और सीड जो है फ्रूट बनाएगा फ्रूट के अंदर का सीड ये होते हैं पोलन ग्रेन्स प्लस एग्स जिसका फर्टिलाइजेशन होता है ओके आपका बेसिकली अभी इसमें कुछ भी नहीं है प्रोसेस नहीं है बस आपको पार्ट्स के बारे में जानना है इस, इस चैप्टर में तो इसलिए मैंने आपको बताया व्हाट इज एंथर व्हाट इज फिलामेंट एंथर इज गोइंग टू प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स एंड फिलामेंट इज अ स्ट्रक्चर विच सपोर्ट्स द एंथर ओके इसके बाद हम वही पढ़ेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे स्टिग्मा जो मैंने आपको बताया अपर बॉडी दैट इज समवॉट स्टिकी ये स्टिकी क्यों होता है बच्चों क्योंकि इसके ऊपर आने वाला है पोलन ग्रेन जो जो कोई भी पोलिनेटर ला के रख देगा किसी और के फ्लावर में से को निकाल के पोलिनेटर अपने हाथों पैरों में चिपका के ले आते हैं और बहुत अच्छा फ्लावर उन्हें दिखता है जहां पर उसकी स्टिग्मा के ऊपर जाके वो पोलन ग्रेन स्टिक कर देते हैं वो स्टिक कैसे होते हैं बिकॉज स्टिग्मा जो पार्ट है वो स्टिकी पार्ट होता है वहां पे पोलन ग्रेन चिपक जाता है ओके दैट कैप्चर्स द पोलन देन स्टाइल द सिलेंडर ट्यूब दिस ट्यूब Uh, this tube this is cylinder tube structure कैसा is इसका cylinder hai. cylinder is cylinder okay tube that connects the stigma to the ovary and ovary is a swollen base this swollen base that contains the ovules ovules means eggs okay which develop into seeds after fertilization okay which i have told you in, in short because you're going to study in detail afterwards in higher classes okay next we are going to study about the roots okay we have studied the stems the leaves the flowers and now it's the turn of roots all right students we have seen this uh, this part of a uh, this structure of a plant we all have seen right uh, this the structure we have seen no so this one we are going to study the roots this roots the, uh, the structure the parts which are present below the soil द रूट सिस्टम ओके तो रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही रूट्स भी इंपॉर्टेंट है अंडरग्राउंड सिस्टम है ओके प्लांट्स रूट आर दार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड सिस्टम दट एंकर द्लांट एंड एब्सॉर्ब वॉटर एंड न्यूट्रिय फ्रॉम द सॉइल दे टिपिकली है मेन रूटली रूट एंड स्मॉल नेचुरल रूट ओके तो प्लांट रूट पता चल गया दीज आर स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट अंडरग्राउंड बिलो ओके दैट एंकर्स प्लांट व्हाट डज इट मींस एंकर्स एंकर्स मतलब पकड़ के रखना ओके okay? रखनासिव कर देना ग्लू की तरह चिपका देना प्लांट को रूट रकड़ लेता है ताकि वो सॉइल से हिले नहीं अपराइट पोजिशन में खड़ा रहे जितना भी विंड आए जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे रूट्स हैं बहुत स्ट्रांग है कितने बड़े पेड़ को कितना हेल्थी पेड़ को इन्होंने पकड़ के रखा है वेरी स्ट्रांग दिस इज आर आल्सो रूट्स ठीक है यहाँ मेन रूट होता है जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं और स्मॉलर लेटरल रूट्स होते हैं उसी के साथ जुड़े होते हैं ये ओके okay? दो तरह के रूट्स होते हैं टैप रूट एंड फाइब्रस रूट टैप रूट दे हैव लॉन्ग मेन रूट लीव्स विद द रेटिकुलेट वेनेशन देखो uh, यहां पे जो आपका टैप रूट होता है जनरली ये उन प्लांट्स के होते हैं जिनके लीव्स कैसे होते हैं रेटिकुलेट वेनेशन के होते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था तुलसी के रोज के ग्रेन ग्राम्स के पीस के ठीक है दे हैव ओनली वन सी दिस इज अ मेजर रूट जिसके पास लेटरल सारे कनेक्टेड है अब आप इस फाइबर रूट को देखें वेरी क्लम्सी स्ट्रक्चर नेटवर्क वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है इसका कोई भी प्राइमरी रूट नहीं होता जो इसका मन करे वहीं से ग्रो हो रहा है क्लमजी स्ट्रक्चर फाइब्रेस रूट They don't have main root leaves with the parallel venation means maize and grass okay and that's all we are uh, we have studied about this uh, parts of a, of a plant now we are going to proceed with the classification of plant in the next video okay till then bye stay connected welcome back students okay so today we are going to proceed with the next part of this chapter which is classification of plants okay now uh, these plants are classified into actually three main groups but there are two more groups also which have which are being add on with these three groups first one is herbs shrubs and trees herbs number 1 number 2 shrubs and number 3 trees trees and next to are climbers and creepers this one okay so five classification of plants herbs shrubs and trees creepers and climbers okay we are going to start with the herbs have you seen some very tiny plants tiny tiny plants have you seen uh, what you know as coriander in your house dhania

A little taller than the herbs. Okay. Not much taller, but medium. Okay. Have medicinal value and are used as gardening plants. Usually these are flowering plants, students. These shrubs. Okay. Have thick but not hardy stems. These have thick but not hard stems. Okay. Now the last one, the third one is trees. Okay. You all know these are very tall, tall. Neem trees and all these uh, come in the categories of trees. These are very tall. प्रिवेंट सॉइल इरोजन मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड वुडी वुड होते हैं वुडी होती है ठीक हार्ड ब्राउन हार्ड ब्राउन वुडी स्टेम होती है इनकी जैसे हमने अभी देखा इनकी रूट्स भी कितनी स्ट्रांग होती हैं बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ये ठीक है ऑल राइट दीज आर द टॉलेस्ट ट्रीज नाउ नेक्स्ट वन इज आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स फॉर हर्ब्स एंड श्रब्स एंड ट्रीज The herbs are the small plants with soft green and tender stems and small roots like rice, grass, coriander. These are the shrubs which are mostly of flowers and the this trees which is all these maple tree, walnut tree, palm tree, peach tree. Okay. All these are coming examples of trees. Now the two more classification is climbers and creepers. Okay. द क्लाइंबर्स द स्टेम्स आर स्ट्रॉगर देन क्रीपर्स ग्रो इरेक्ट यानी सीधा अपराइट विद द सपोर्ट ऑफ वॉल एंड स्टिक कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं स्टूडेंट जो रिक्वायर करते हैं तो उनकी स्टेम्स को जोड़ दिया जाए किसी और आ, या तो किसी वॉल के साथ या किसी डंडे के साथ ताकि स्टिक के साथ जो वो अपने आप को क्लाइंब उस पर क्लाइंब कर करके अपने आप को ग्रो कर सके ओके तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन पी मनी प्लांट ऑल राइट एंड दीज आर द क्रीपर स्टूडेंट जिनकी स्टेम्स बहुत ही वीक होती हैं सॉइल पे स्प्रेड होती हैं ये ओके okay? बिकॉज उनके उन सबको क्या चाहिए एक्सपोजर ऑफ सनलाइट चाहिए तभी तो वो ग्रो होंगे ना एंड दीज ग्रो हॉरिजोन ऑन द ग्राउंड पंपकिन एंड वॉटरमेलन ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर वी हैव लर्न मेनी थिंग्स इन चैप्टर वॉटर प्लांट्स वॉट आर द मेजर फंक्शन ऑफ प्लांट्स मेजर प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स दो प्रोसेस है मेजर फंक्शन सबसे पहला है बच्चों ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करना फूड की प्रोडक्शन करना रिसोर्सेस प्रोवाइड कराना ये सब चीजें आती हैं आपकी मेजर फंक्शंस में प्रोसेस हो गए इसके उसके बाद हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ प्लांट जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा स्टेम्स पढ़ा लीव्स पढ़ा फ्लावर्स रूट्स पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जिसमें हमने पढ़ा हर्ब डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आपको याद करनी होगी डिफरेंसेस आ जाते हैं इसमें क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बीच में फाइबर्स और टैप रूट के बीच में ये सब चीजें आपको लर्न करनी होगी विद द एग्जाम्पल्स ओके आप सबको मैंने ये इसमें प्रोवाइड करा दिया है आप स्क्रीन ले सकते हैं ओके okay? अः uh, Now, I am going to start the NCRT exercises. Okay. Alright, dear students, now we are going to do these NCRT uh, solution exercises. So, let's get started. Okay. So, first question is about the, correct the following statements and rewrite them in your notebook. Okay. You have to make these statements correct and then you have to rewrite them in your notebook so first statement say, say, says that stem absor absorbs water and minerals from the soil is it correct no roots here you have to write the roots these stem is wrong and you have to write the roots okay and then leaves hold the plant upright no stem okay roots conduct water to the leaves this is false it's m okay the number of petals and stamens in a flower is always equal no is always different okay now okay next one if the sepals of a flower are joined together its petals are also joined together no its petals are separate you have to write separate here if the petals of a flower are joined together then the pistil is joined to get, joined to the petal no you have to write here sepal

अपराइट uh, और ट्रांसपोर्ट uh, करता है वॉटर सब इसके अंदर होता है फंक्शन uh, सब स्टेम्स के फंक्शन आपके उसमें दे रखे विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिकुलेट रेटिकुलेट वेनेशन वेनेशन नॉट पैरेलल ओके वीट तुलसी मेज ग्रास कोरिएंडर चाइना रोज रेटिकुलेट वेनेशन एक तो है आपका तुलसी चाइना रोज एंड कोरिए

Root, it's parallel venation, and for the tap root, it is reticulate venation. F is to P and T is to R. Okay. Is it possible to find another plant has a tap root fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet paper? Yes, yes, yes. Because we are going to see the venation. Uh, if the uh, if the there is parallel venation, it's fibrous root, and if it's if there is reticulate venation, it's tap root. What are the parts of a flower? you all know this sepal petal pistil carpel stigma style ovary and that's all okay you can uh, check from the presentation from the following plants which of them have flowers grass maize this is very easy you can do it on your own name the part of a plant which produces food name the process part of a plant which produces food it's leaf okay leaf produce the food and name the process it's photosynthesis okay

in which two plants which has joint sepals and other has separate sepals so for separate sepals it is rose and uh, rose and lotus and for joint sepals it's cotton plant okay okay so that's it for the chapter we are going to meet you with another chapter okay till then bye bye take care